राज्य में दालचीनी, तिमूर और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर के तहत कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के सगंध पौधा केंद्र से 3 लाख पौधे विभिन्न जिलों के लिए भेजे। इनके प्रचार प्रसार, तकनीकी प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और बाजार उपलब्ध कराने के लिए चंपावत में सिनेमन सैटेलाइट सेंटर भी विकसित किया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सगंध फसलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जंगली जानवर इन फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बंजर कृषि भूमि पर यह आसानी से उगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की दालचीनी की ब्रांडिंग भी की जाएगी। तकनीकी आम बाजार हेतु खचेला चंपावत सिनेमन सप्लाई सेंटर के रूप में कैब द्वारा विकसित किया जा रहा है और भविष्य में दालचीनी तथा सिनेमन की पत्ती के तौर में उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्य होगा। अभी तक दक्षिण में वहीं पहाड़ी नीम के नाम से प्रचलित तिमूर की बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी पैदावार बढ़ाने पर कृषि विभाग काम कर रहा है। इसके लिए पिथौरागढ़ में तिमूर सैटेलाइट सेंटर विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार जो तिमूर हमारे यहाँ होता है इसकी मांग को देखते हुए मिशन मुद्रा प्रसार की जाने की योजना हम हमारी सरकार ने तैयार की है। वर्तमान में तिमूर का बीज नेपाल से आता है और जबकि हमारी जलवायु इसकी अनुकूल है, भविष्य में उसको यहीं पर हम तैयार करेंगे। पहले चरण में जनपद पिथौरागढ़ में इसकी रोपाई की जाएगी जबकि आगामी वर्षों में राज्य के अन्य जनपदों में इसको कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि लेमन ग्रास की खेती भी किसानों में लोकप्रिय हो रही है। सगंध पौधा केंद्र से जुड़कर हजारों किसान इसका लाभ ले चुके हैं और अपनी आजीविका बेहतर बना रहे हैं।